साथियों, एक बार पुनः स्वागत है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम। और आज की हमारी दक्षता है संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सब बढ़िया? सब बढ़िया। पूर्व में जो हमारी क्लास रही थी उसमें हमने पढ़ा था कारक। क्या पढ़ा था? कारक और उसके चिन्ह पढ़े थे। कारक कितने बताए मैंने? कारक के भेद आठ भेद बताए थे। कितने बताए थे? आठ भेद। उन आठ भेद में से हमने एक कारक पढ़ा था संबंध कारक। कौन सा कारक पढ़ा था? संबंध कारक। संबंध कारक में जो विभक्ति उसका चिन्ह था वो क्या था? का के की रा रे री। बहुत बढ़िया। और आज के जो हमारी विषय वस्तु है या दक्षता है वो संबंध सूचक शब्दों के बारे में ही है। तो आज हम संबंध कारक के जो चिन्ह थे काके की रारे री से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे, इससे संबंधित अभ्यास करेंगे। देखो हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द हमें छांट करके लिखना है। ये ऑप्शन है आपके पास। और पहला जो प्रश्न है वो है छत। रिक्त स्थान है जिसमें आपने वो उचित संबंध बोधक शब्द भरना है। मुर्गा बैठा है, कौन बताएगा? जस कौन खड़ी हो जाओ भाई। छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तालियां बजाओ इस प्रश्न के ऊपर। अब देखो इसमें ऑप्शन थे हमारे पास की अपेक्षा, ये भी नहीं बैठता, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर, क्योंकि ऊपर ही बैठेगा, के अपेक्षा भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट है नदी, रिक्त स्थान है साधु की कुटिया है, कौन बताएगा? हाँ भाई राधा खड़ी हो जाओ। नदी के किनारे साधु की कुटिया है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। नदी के किनारे मतलब संबंध जुड़ रहा है नदी के किनारे, क्या है? साधु की कुटिया है। नेक्स्ट है मोहनी अपने भाई, फिर रिक्त स्थान, स्कूल जाती है। हाँ जोश सिंह बताएगा। मोहन अपने भाई के संग स्कूल जाती है। के संग स्कूल जाती है, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट है मुझे सेब, रिक्त स्थान, आम पसंद है, कौन बताएगा? हाँ भाई राधा वापस बताइए। मुझे सेब, रिक्त स्थान है, आम पसंद है, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। बहुत बढ़िया राधा के लिए तालियां। मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि बच्चे आसानी से पूर्व ज्ञान को आधार बना करके संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग अपने व्यवहारिक रूप में कर पाते हैं और इसको दैनिक जीवन में भी उपयोग कर पाते हैं। धन्यवाद।